हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज हम लोग बात करेंगे जैक स्नाइडर कट जस्टिस लीग का। फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू आ चुका है। कुछ फैंस और क्रिटिक्स ने इस मूवी को ऑलरेडी चेकआउट किया और उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या ये मूवी आप लोगों को देखनी चाहिए, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आप ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो अगर आप लोग इंडिया में रहते हो मेरी तरह और आपको जस्टिस लीग यानी कि स्नाइडर कट जस्टिस लीग मूवी देखनी, तो आपको कहीं और नहीं जाना, बुक माई शो पर जाओ, वहाँ पर आप लोग ये मूवी को देख सकते हो 18 मार्च दोपहर को 12:40 पे और 150 रुपीज़ टिकट है। ये मैं प्रोमोशन नहीं कर रहा, ये बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। खैर अब बात करेंगे फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू की। तो अगर फैंस की माने तो ये ऑसम मूवी है, यानी कि 4 घंटे लेंथ में। यहाँ पर स्टोरी में कुछ ज़्यादा खास बदलाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो कैरेक्टर्स है उन सारे कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से टाइम लेकर डेवलप किया। और ये 4 घंटे की लेंथ से आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को इतना डीपली इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप लोग बस उन कैरेक्टर से और भी ज़्यादा प्यार करने लगोगे। और स्पेशली यहाँ पर फैंस का कहना है कि साइबॉर्ग और फ्लैश इन दोनों कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है और प्रेजेंट किया। और स्पेशली जो साइबॉर्ग का कैरेक्टर है उससे तो आप लोग इमोशनली कनेक्ट भी हो जाओगे और उसको देखकर आपको थोड़ा बहुत इमोशन भी फील होगा। और अगर फ्लैश के कैरेक्टर की बात करें तो अगर आपने प्रीवियस जो थिएट्रिकल कट मूवी आपने देखी थी तो उसमें जो फ्लैश के कैरेक्टर को जिस तरह से प्रेजेंट किया था उससे बिल्कुल उलट यहाँ पर हमें ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जिसको और भी अच्छी तरह से आपके सामने पेश किया है स्नाइडर कट में। तो भाई अब तो मैं वेट नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, फैंस लोगों ने तो ये तक कहा कि भाई वंडर वुमेन का जो वर्जन इस मूवी में देखने को मिल रहा है वो आज से पहले हमने उसकी सोलो मूवी में भी नहीं देखा है। तो ये जैसे ही मैंने रीड किया उसके बाद मुझे जो एक्साइटमेंट हुई, क्योंकि मैं डाई हार्ट फैन हूँ वंडर वुमेन का और मुझे उनकी मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है। और जब इस मूवी में वो और भी खतरनाक रूप में नज़र आएगी तो वो देखकर दुगना तिगना मज़ा हो जाएगा। और बैटमैन और सुपरमैन के तो भाई एक ही चीज़ बोलूँगा कि उनके लिए मेरे पास कभी भी कुछ भी वर्ड्स नहीं रहते। और फैंस और क्रिटिक्स ने तो एक ही चीज़ बोली है कि जिस तरह से इन दोनों कैरेक्टर स्पेशली ब्रूस वेन के कैरेक्टर को यहाँ पर डेवलप किया या जो चीज़ें बताई है वो एकदम माइंड ब्लोइंग है। यहाँ पर कुछ कैमियोज़ भी देखने को मिलेगी जो आपके लिए सरप्राइज़ हो गए। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि फैंस का ये भी कहना है कि अगर जिन लोगों ने जॉस वीडन का वो थिएट्रिकल कट मूवी देखी है तो अगर उनको वो मूवी अच्छी लगी है तो ये मूवी उनको उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। उसका एक रीज़न है कि यहाँ पर 4 घंटे की जो लेंथ है तो इसलिए चीज़ों को बहुत ही स्लोली स्लोली आगे बढ़ाया और काफ़ी डिटेल में बताने के चक्कर में इसकी जो लेंथ है वो अच्छी खासी बढ़ गई है। तो इस हिसाब से जो फास्ट पेस मूवीज़ देखना पसंद करते तो उनको स्नाइडर कट का ये वर्जन अच्छा नहीं लगेगा। वही अगर क्रिटिक्स की माने तो क्रिटिक्स का भी यही कहना है कि उनको ये स्नाइडर कट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको उस पर्टिकुलर थिएट्रिकल कट मूवी में देखने को नहीं मिला था। फिर बात आती है कि भाई इसकी जो 4 घंटा लेंथ है वो क्या वर्थ वॉच है। उनका यही कहना है कि जो ऑडियंस है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, कुछ को स्नाइडर कट का ये वर्जन अच्छा लगेगा और कुछ को ये वर्जन ज़्यादा लेंदी लगेगा और ज़्यादा स्लो लगेगा। अब भाई मुझे नहीं पता क्योंकि मैं क्रिटिक्स की बात नहीं सुनता, रही बात फैंस की तो यस मैं फैंस से इजीली कनेक्ट हो सकता हूँ और उनके हिसाब से ये मूवी थोड़ा लेंथी है, लेकिन मैं फिर भी ये मूवी को 18 मार्च को देखूंगा और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूंगा। टिल देन बाय।